अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय व्लॉग। आज मैं हूँ रेस कोर्स में और स्प्रिंग सीजन, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टॉल्स लगे हुए हैं और यहाँ पे इस बार तो बहुत ज़बरदस्त है। मैं लास्ट टाइम 6 साल पहले आई थी और तब सिर्फ फ्लावर वाला था, लेकिन आज इस बार बहुत अच्छा बना हुआ है। ये एंट्रेंस है, यहाँ से हम आए थे जेल रोड वाली साइड पे, जो एंट्रेंस है वो है। ये फूड कोर्ट है और ये सारा रास्ता है जहाँ पर स्टॉल्स लगे हुए थे डिफरेंट तरह के, और यहाँ पे भी स्टॉल्स थे। मेरे बच्चे दोनों को जहाँ जहाँ ये जोकर्स नज़र आ रहे थे, अब्दुल मोहित स्पेशली उसके पीछे 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 पड़ रहा था, इसको तो पकड़ के लाना पड़ रहा था, इतना ये एक्साइटेड था इनको देख के माशाल्लाह। ये फूड कोर्ट है सारा, बहुत ज़बरदस्त से खाने हैं यहाँ पे, देसी भी हैं, फास्ट फूड भी है, और ज़्यादा आइसक्रीम है। इसके अलावा मकई की रोटी, सरसों का साग, बहुत कुछ है यहाँ पे, बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है। फूड कोर्ट हो और पान ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? ये पान की शॉप्स हैं। और अब हम जा रहे हैं मेरी फेवरेट जगह पे, सेक्शन में, जो कि है जी चाय। मैंने आज तक वैसे कभी तंदूरी चाय पी नहीं है, कभी इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन आज ज़रूर पीऊँगी, पर थोड़ा सा ठहर के। अभी धूप बहुत है, बहुत गर्मी है, इसलिए अभी पीने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। ज़रा थोड़ी देर में मैं, ज़रा धूप कम होगी ना, तब ज़रूर पीऊँगी। वैसे इस तरह की क्रिएटिविटी जो है ना, चेयर्स वाली और ये टेबल वाली, ये बेंच, ये मैंने सारी वो उधर नॉर्दर्न एरिया में देखी है, तो यहाँ पे भी देख के बड़ा मज़ा आया। बड़ी माशाल्लाह ज़बरदस्त बनाई हुई थी, इतनी प्यारी सेटिंग थी ना ये। दूसरी तरफ स्टॉल्स लगे हुए थे, जेंट सूट्स, लेडीज़ रेडीमेड सूट, और ये वुड डेकोरेशंस थे जो ज़्यादातर हमें नॉर्दर्न में नज़र आते हैं। ज्वेलरी भी ज़्यादातर जो नॉर्दर्न में नज़र आती है वैसी थी। इसके अलावा बच्चों के लिए खिलौने और परफ्यूम जो इतर होते हैं वो सब थे, सब बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा। खाना हम घर से लाए हैं, मैंने बिरयानी बनाई थी और साथ में रायता बनाया था। अब यहाँ पे हम बैठ के आबशार के पास खाना खा रहे हैं फैमिली। नेमल पार्क्स में जाके बहुत ज़्यादा खुश होती है, इसको पार्क्स इतने पसंद हैं क्योंकि वहाँ पे खुली जगह होती है जहाँ पे इसको बिना रोके हम इसको कुछ भी करने देते हैं, सुकून से फिरती रहती है, इसलिए यहाँ पे आके ये बहुत ज़्यादा खुश होती है। तो सिर्फ इसकी वजह से अब हम वीकेंड पे लाजमी किसी न किसी पार्क में जाते हैं। ये है खर्चा, मेरा मतलब है प्लेइंग एरिया, बच्चों का झूले वगैरह लगे हुए हैं, सारा सिस्टम है, और मेरे बच्चे कहते हैं बस इधर ही रहना और कहीं नहीं जाना। वो देखिए, इरहा तो बस उसका बस नहीं चलता, वो किसी चीज़ को ना छोड़े। अब वो कह रही है मैंने सारे ट्राई करने हैं और लिए बगैर जाएगी भी नहीं, जब आता है इसका। ये भी अब बहुत तेज़ होता जा रहा है, अब बैठ गया है गाड़ी पे कि जी मैं तो यही चलाऊँगा। अब्दुल मोहित गाड़ी में बैठ तो गया, तो लेकिन जब ये स्टार्ट हुई तो थोड़ा डर भी गया था, कि बार बार पीछे मुड़ के देख रहा था कि मैं पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये इंजॉय करने लग पड़ा। फिर उसके बाद ये दोबारा उतरा नहीं, इसने एटलीस्ट 2 से 3 चक्कर लगवाए हैं उससे, फिर भी ज़बरदस्ती उतारा। ये देखें जी, ये मोहित वापस आ रहा है परेशान सा, कि पता नहीं मुझे कहाँ छोड़ दिया, किसके साथ छोड़ दिया। मुझे देख के चिल्ल हो गया साथ ही। वो मास्क नहीं टिक रहा मुंह पे। हाँ, वो वहाँ पे जंपिंग कर रही हैं। अंदर चली जो जाती है, हौसला नहीं पड़ता, पर उसका होता है कि मैं बस जल्दी जल्दी अब वापस भी आ जाऊँ, बस शौक पूरा हो गया। जब तक बच्चे झूला ले रहे हैं तो अच्छा हम बैठ जाते हैं, मैं और मेरी बेटी। ये देखें जी, आज ये जो फ्रॉक पहना हुआ है, नानी अम्मा ने खुद सी के भेजा है अपनी नवासी के लिए।
माशाल्लाह बहुत प्यारा सी है अम्मी। थैंक यू अम्मी जी। नेमल पहली दफा बड़े मजे से आइसक्रीम खाते हुए। नेमल ओए मेरे बच्चे को बचा रहा है चीक आके। ओए ओए आइसक्रीम खा रहे हो? इसको देख के तो आज ना मरी की याद आ गई। वहाँ पे हम इस तरह की चीज़ें लेने चाहते होते हैं लास्ट में, बड़ा मज़ा आता है, मुझे बड़ी पसंद है इस तरह की चीज़ें। मैं स्टोर्स देख रही थी और मोहित साहब को दोबारा फिर जोकर नज़र आया, ये दोनों उसके पीछे पीछे। इंजॉय कर रही मेरी बेटी। नाजरीन हमने नेमल के लिए दो फ्रॉक्स लिए हैं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। ये देखें, एक है ये वाला, बहुत खूबसूरत बना हुआ है, मुझे बड़ा पसंद आया, कलरफुल सा। और एक लिया है मैंने ये फ्रॉक निमल के लिए, बहुत प्यारे कलर्स हैं। अल्बमेलियस गिफ्ट लाए हैं अभी, ये वाला, ये कलर पता नहीं चल रहा वैसे, ये सी ग्रीन कलर है डार्क वाला, तस्वीर में और आ रहा है, निमल ने छोड़ी उसको, इतना पसंद आया। थैंक यू अल्बर। अब हम बहुत थक चुके हैं और मैं और नेमल यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं। अल्बर पता नहीं बच्चों को लेके कहाँ चले गए हैं, शाम हो गई है बहुत, अब हवा चल रही है, कुछ बेहतर मौसम हो गया वरना बहुत गर्मी थी। तो बस अब हम घर के निकलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीलॉग, कीप सब्सक्राइबिंग लाइकिंग एंड शेयरिंग माई चैनल। थैंक यू।